19 मई 2023 को आ रही है अमावस्या तिथि। जेठ के महीने की यह अमावस्या तिथि है और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी होगा। 19 मई 2023 की जो यह अमावस्या है, यह आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर आप चाहते हैं आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी बातें जो आपको आने वाली इस अमावस्या तिथि के दिन जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और विश्वास से अगर आप यह कार्य करेंगे तो आपके परिवार में कभी भी पितर दोष नहीं होगा। जेठ के महीने की जो अमावस्या तिथि होती है, इस अमावस्या तिथि को शास्त्रों में भी बहुत खास स्थान दिया गया है और कहा गया है कि जेठ के अमावस्या को जो भी परिवार अपने पितरों का ध्यान करके कुछ विशेष कार्य करते हैं, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। जय माता की। प्यारे बंधुजनों, 19 मई 2023 को अमावस्या तिथि है, शुक्रवार का दिन रहेगा। इस दिन आपने कुछ एक कार्य करने हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अमावस्या के दिन सुबह सपरिवार जल्दी उठ करके स्नान ध्यान कर शुद्ध हो जावे। उसके बाद आपने जो अपने पितरों का स्थान लगा रखा है, वहां पर जाकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए जो है दूध और जल से वहां स्नान करवाना है, वहां पर धूप लगानी है, जोत जलानी है और उसके बाद सपरिवार वहां पर बैठकर हाथ जोड़कर अपने पितरों का, सभी पितरों का ध्यान करते हुए उनको नमस्कार करना है कि हे पितर देवताओं, आज अमावस्या तिथि के दिन हम आपका ध्यान करते हैं, हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना। इसके बाद आप